हेलो एवरीवन, मैं सुजाता मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, एक एप्लीकेशन के बारे में जो बहुत ही यूजफुल है और जिसको आप एक डिटेक्टिव के रूप में जान सकते हैं। एक ऐसा डिटेक्टिव जो आपको बता देगा कि आपका फोन किसने हैक करने की कोशिश की है या फिर किसने आपका मोबाइल टच किया है। जी हाँ, अगर स्क्रीन को कोई टच भी करता है तो उसका सिर्फ फोटोग्राफ वहां पे कैप्चर हो जाता है, आपको पता भी चल जाएगा कि कितने टाइम पहले उसने आपका मोबाइल टच किया है। ये एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना टाइम में सभी का जो वर्क हो गया है वो ज्यादातर बेस हो गया है मोबाइल फोन से। अगर कोई भी व्यक्ति है, साधारण जन पर्सन है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक लैपटॉप ले सके, तो उसके बाद उसका जो सेकंड मोड है वो मोबाइल होता है। मोबाइल से ही कई लोग अपना जो ऑफिस का वर्क है या फिर जो भी उनका बिजनेस है वो सब कुछ मोबाइल बेस्ड हो गया है। ऐसे में आपका मोबाइल आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है और उस खास डिवाइस की केयर करना, उसको सावधानी से रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपके जितने भी पासवर्ड हैं और जो आपका बिजनेस का पूरा वर्क स्टेशन आपका मोबाइल बन जाए। ऐसे में मैं आज आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में, एक ऐसे एप्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फोन है किसने हैक करने की कोशिश की है, किसने उसका पासवर्ड हटाने की कोशिश की है, और या अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया है तो किसने आपके फोन को टच किया है। सिर्फ फोटोग्राफ के साथ ही कैप्चर होगा और टाइम भी बताएगा। तो आपको वो एप्स कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही छोटा सा स्टेप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर लिखना है Who touched my phone। और जब आप लिखेंगे कि Who touched my phone, यानी कि आप अगर WTMP अगर ये भी आप टाइप करेंगे तो उस एप्स को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको अपने एंड्रॉइड फोन में सेव कीजिए। सेव करने के बाद उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो उसका कैमरा का एक्सेस सेक्शन है उसको अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपको उसे परमिशन देनी पड़ेगी कि वो अब स्टार्ट हो सके। उसमें एक बटन है जिसको आप क्लिक करके उसे परमिशन दे देंगे कि अब वो कोई भी अगर आपका फोन टच करता है तो वो आपके फोन में कैप्चर कर ले उसका टाइम और उसकी स्क्रीनशॉट। मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है और दिखाती हूँ कि इसका यूज मैंने किया हुआ है। इवन अगर मैं खुद भी अपने मोबाइल फोन को टच करती हूँ तो मेरा फेस भी उसमें कैप्चर हो जाता है और मैंने किस समय उसको फोन को टच किया है वो भी पता चल जाता है। तो मैंने ऑलरेडी ये फोन पे एंड्रॉइड एप्स टच माय फोन इंस्टॉल किया हुआ है, जो आइकन इस तरह है आप देख सकते हैं ये। और इसके बाद आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको इस तरह से दिख जाएगा और ये ग्रीन बटन है और यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने अगर ओपन किया हुआ है तो मेरी फोटो और कितने टाइम पे मैंने ओपन किया है ये सब कुछ दिख जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट एप्स है जिन्हें पता लगाना है कि किसने उनका फोन किस समय पे टच किया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आगे किसी भी एप्स के बारे में जानकारी चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको इस एप्स के बारे में कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है वो भी बता देंगे और कहाँ पे मिलेगा उसकी सॉल्यूशंस भी बता देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सुजाता मिश्रा चैनल। थैंक यू, बाय।